अरे झंडा 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 अरे पीछे जाओ पीछे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमित शाह को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने देश में राजनीति को इतना नीचे लेवल पर उतारा। और रह गई बात महामहिम राज्यपाल जी को, इस देश में आने वाले दिनों में वफादारी का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है वजूभाई वाला जी ने। शायद हिंदुस्तान का हर आदमी अपने कुत्ते का नामा वजूभाई वाला ही रखेगा, क्योंकि इससे ज्यादा वफादार तो कोई नहीं सकता। आप आरएसएस से आए हैं, मोदी जी के लिए आपने सीट छोड़ दी थी, सब ठीक है साहब, लेकिन आप इस देश के एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। देश में एक संविधान है, कानून है, कायदा है, उस कायदे का अगर आप पालन नहीं कर सकते तो आपको इस पद पर रहने का हक नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने डिमांड की है कि वजूभाई वाला को या तो वो इस्तीफा दे या उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। देखिए आज भारत में डेमोक्रेसी की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, और जो लोग पैसे के बदौलत और अपने अहंकार के बदौलत पूरी दुनिया को जीतने का दंभ रखते हैं, आज उनकी हार हुई है। दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर लोगों की लिस्ट में हमारे मोदी जी का नाम है और उनके पीछे पीछे तड़ीपार का भी नाम है। ये दो बड़े ताकतवर लोग हार गए अपने अहंकार और दंभ की वजह से। आज का दिन इसके लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि सबको पता था कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए वो एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट था, हंग असेंबली थी, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल तो था, लेकिन इसी बीजेपी ने पिछले 2-3 वर्षों से एक नया तर्क दिया था कि अगर हंग असेंबली है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिले जरूरी नहीं है। इसका नतीजा यह था कि गोवा में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, हमको सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला। मणिपुर में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, सिर्फ 2 सीट कम थी हमारे पास, हमको मौका नहीं मिला। मेघालय में हमको मौका नहीं मिला। और आज वही बीजेपी जिसने बार बार कहा, अपने राज्यपालों से कहवाया कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का मतलब ये नहीं कि आपको पहला न्योता मिलेगा, आज उसी बीजेपी ने पूरे देश में ये बताया कि जी नहीं, कांग्रेस के लिए अलग कायदा है, मेरे लिए अलग कायदा है। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाले येदुरप्पा जी को बुलाया गया, 104 या 103 उनके पास एमएलए थे, शायद मैंने सुना एक बीच में स्लिप कर गए थे, अब 7-8 उनको चाहिए थे, आज 8 विधायक भी वो जमा नहीं कर पाए।